हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप लोगों को मैं कोरियन ग्लास स्किन कैसे पाएं ये बताऊंगी, और ये बहुत आसानी से बहुत ही कम पैसों में ये जो मैंने क्रीम बना के तैयार की है कोरियन क्रीम, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन धीरे धीरे बिल्कुल कोरियन स्किन की तरह चमकने लगेगी। जो कोरियन औरतें होती हैं वो अपनी स्किन की कैसे केयर करती हैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएंगी, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये क्रीम बनाना बहुत आसान है और ये क्रीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको हाथों पे लगा लिया है और हाथ मेरे बिल्कुल जो है चमकदार आपको दिख रहे हैं। तो जो कोरियन औरतें होती हैं ना, उनके फेस पे बिल्कुल ऐसी ही चमक होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और मैंने यहाँ पर 3 चम्मच छोटे चम्मच से चावल लिए हैं, और ये चावल जो छोटे दाने वाले आते हैं वही मैंने लिया है। और इस तरीके से मैं आलुओं को छोटा छोटा काट लूँगी, और आलूओं में जो प्रॉपर्टी होती है ना, उससे हमारे फेस पे जो टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, सारे के सारे रिड्यूस हो जाते हैं, और ये फेस पे एक बहुत अच्छा सा ब्लीच करता है। सो इसके रेगुलर जो यूज़ से आपकी स्किन पे तमाम जो भी शिकायतें हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो आलू को मैं छोटा छोटा इस तरीके से मैंने काट लिया है, और यहाँ पर पैन में मैंने आलू डाल दिए, और ये 1 कप मैं पानी डाल रही हूँ यहाँ पर। और ये चावल मैंने एक बार धुल लिया था, तो धुल के आप यूज़ करें, उससे चावल की जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी और आपकी क्रीम बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने डाल लिया है सारी चीज़ों को, और अब मैं पैन को गैस पे रख के इसे अच्छे से पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 मिनट लगभग पकाया और इसमें जो है झाग आने लगी इस तरीके से, और इसको मैं इस तरह से हिला हिला के तब तक पकाऊंगी जब तक आलू बिल्कुल सॉफ़्ट ना हो जाए और चावल बिल्कुल हाथ से दबे बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। इतना हमें पकाना है ताकि अच्छे से जो भी है सारी चीज़ें बिल्कुल कुक हो जाए। तो इसको पकाने में आपको 20 मिनट से आधे घंटे लग सकते हैं, और अगर आपके पानी थोड़ा कम लगे आपको तो पानी आप बढ़ा लें, बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चावल और आलू बिल्कुल ड्राई हो चुका है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये पक रहा है, और यहाँ पे मैं इसको लगातार चला चला के मैंने पका लिया है, और ये इसको हम थोड़ी देर अब ठंडा होने देंगे, फिर इसमें हम आगे का प्रोसेस करेंगे और बहुत ही अच्छी सी राइस क्रीम, राइस एंड पोटैटो क्रीम बना के तैयार करेंगे। और ये क्रीम बहुत अच्छे टाइम तक चल जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आपके फेस पर। तो बस इसको मैंने ठंडा कर लिया है, और इस कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं चाहिए। और अब इसको मैं एक अच्छे से जार में डाल के पेस्ट बना लूँगी, और बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। अगर आपके पेस्ट में बिल्कुल भी दाने नहीं होने चावल के, अगर आपके चावल के दाने हैं तो आप उसको छन्नी से छान लीजिए, बिल्कुल हमें क्रीम चाहिए, बिल्कुल प्योर क्रीम। तो इस तरीके से हम इसको डाल के, और बिल्कुल अच्छे से मैंने यहाँ पे देखिए पीस के बिल्कुल इसको क्रीम फॉर्म में बना लिया है। अब इसमें मैं आगे का स्टेप करूँगी। अभी ये काफ़ी गर्म है, और इसे हमें गरम गरम हल्के गुनगुने में पीसना है, बिल्कुल खोलते हुए नहीं, लेकिन हाँ गरम गरम में ही पीसना है। तो इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे और इसमें बाकी का प्रोसेस उसके बाद करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं नींबू ले रही हूँ, और नींबू की यहाँ पर हम 8 से 10 बूंदें इस तरीके से टपका देंगे इसमें। और नींबू जो है हमारे फेस पे दाग धब्बे हैं उनको बिल्कुल रिड्यूस करता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिए ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन से क्या होगा ना, आपके फेस पे एक बहुत अच्छा सा मॉइस्चर आ जाएगा, और इसको रात में आपको लगा के सोना है। तो आप ग्लिसरीन, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो थोड़ा कम कर दें, लेकिन ड्राई स्किन है तो 1 चम्मच आप इसमें ग्लिसरीन डालें। और फिर मैंने लिया है यहाँ पर गुलाब जल, गुलाब जल इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये हमारे फेस पे एक अच्छी सी ठंडक दे। और अपने हिसाब से गुलाब जल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्रीम जो मैं कंसिस्टेंसी बताऊंगी उसमें होना चाहिए। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गुलाब जल डाल दिया है, और अब मैं यहाँ पे इवियन 400 यूज़ कर रही हूँ, और 2 टैबलेट मैं यहाँ पे इतने जो क्वांटिटी के लिए 2 टैबलेट मैं यहाँ पे इवियन डाल रही हूँ। पूरा खोल के मैं अच्छे से डाल दूँगी, और इवियन से जो हमारे आंखों के नीचे काले घेरे हैं, दाग धब्बे हैं, वो सारी चीज़ें कम हो जाती है, विटामिन ई मिलती है, और फेस हमारा बहुत ज़्यादा प्लम और ग्लोइंग हो जाता है।
और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर फिर से एक बार इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये बहुत अच्छी सी हमारी राइस पोटैटो क्रीम बनके तैयार हो जाती है। और ये क्रीम जो है 15 दिन आराम से आप फ्रिज में रख के यूज़ करेंगे, इसको बाहर आपको नहीं रखना है, बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। सो इसको आप डेली रात में लगा सकते हैं और सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से धुल लीजिए और उसके बाद एक अच्छी सी लेयर इस क्रीम की लगा के थोड़ा सा मसाज करके इसको आप सो जाइए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, बहुत अच्छा सा निखार आएगा आपके चेहरे पर। तो बस मैंने यहाँ पे एक साफ डिब्बा लिया है और इस डिब्बे के अंदर मैं इस क्रीम को ट्रांसफ़र कर दूँगी। और जिस भी एरिया पे आप चाहें अप्लाई कर ले, हाथों पे, पैरों पे, जहाँ पे भी आपके डार्कनेस है सारी की सारी बिल्कुल कम हो जाएगी और बहुत अच्छा सा ग्लो आपके फेस पे आएगा इस क्रीम को लगाने के बाद। और धीरे धीरे करके आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। और इसको अच्छे से एयर टाइट बॉक्स में भर के आप आराम से यूज़ करें। और मैं इसको यहाँ पर लगा के आपको दिखा रही हूँ और ये देखिए मेरे हाथों पर बिल्कुल ग्लास स्किन वाली चमक आ गई है, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैंने की है बहुत ज़्यादा रिसर्च, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको मैक्सिमम शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी इसके बेनिफिट मिले। और मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और इस तरीके से आप इस क्रीम को फ्रिज के अंदर स्टोर कर लीजिए।